पहले क्वाइट क्विटिंग आई, उन्होंने कहा अच्छा क्वाइट क्विटिंग आ गई, चलो लेट्स हैव अ न्यू टर्मिनोलॉजी एंड दैट्स क्वाइट फायरिंग आई। पीपल लीव पीपल नॉट द ऑर्गेनाइजेशन। लाइन मैनेजर के पास वो करेज ही नहीं है कि उसको जाके बता सके कि यू आर नॉट परफॉर्मिंग। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो है ही नहीं। हमें ये लगता है कि व्हाट आई एम डूइंग द बेस्ट। समटाइम्स हमें ये लगता है कि जो अपॉर्चुनिटीज दी जा रही होती हैं उससे पहले भी आपको टेस्ट किया जाता है कि हाउ इंडिपेंडेंट यू आर। अगर किसी एम्प्लॉय का बिहेवियर चेंज होता है ना तो मैं उसको पूछता हूँ बट यू आर नॉट लुकिंग इन योर नॉर्मल मूड, व्हाट हैपेंड। आई ऑलवेज बिलीव के ऑलवेज कीप रिकॉर्ड। उसके बाद कोई भी एम्प्लॉय चला जाए ना वो ये अगर नहीं कह सकता कि जी मुझे तो पता ही नहीं मेरे साथ ये हो गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही बिकदरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों अब तक की कोऑपरेशन और अब तक की अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज का जो टॉपिक है कि अगर आपको आपका इदारा नौकरी से निकालना चाह रहा है, ये क्वाइट फायरिंग क्या होती है और आपका बॉस हर जगह बैठ के आपके खिलाफ बातें करता है, आपको ढेर सारा काम दे देता है और ये सोच रहा है कि इसको मैंने अपनी टीम में नहीं रखना, तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस सिचुएशन को कैसे डील करना है, अगर आपके करियर में ये सिचुएशन आ जाए तो आपने क्या स्टेप लेने हैं और किन स्टेप को फॉलो करके आपने इस सिचुएशन में से निकलना है। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन एचआर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों इनका नाम है मुनीब अंजुम। मुनीब अंजुम इज करंटली वर्किंग एज ए हेड ऑफ एचआर एट कोहार सीमेंट। आइए मिलते हैं मुनीब अंजुम से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच मुनीब अंजुम फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच हसन, आई एम एक्साइटेड टू कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। एक्साइटमेंट इज ऑन द पीक बिकॉज आज का जो टॉपिक इट्स बिट कॉन्ट्रोवर्शियल एंड इंटरेस्टिंग एज वेल, सो मैं समझता हूँ कि बहुत मजा आने वाला है। लेट्स सी। अच्छा, जैसे कि मैं अपने इंट्रो में बता रहा था कि हमारा जो टॉपिक है क्वाइट फायरिंग, इसका मतलब है कि अगर कोई इदारा किसी भी एम्प्लॉय को निकालना चाह रहा है तो जो बॉस है उसका क्या रोल होता है या इदारा जो है वो किस किस्म की स्ट्रेटजी जो है वो अपनाता है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि मुनीब भाई इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स वेरी कॉमन, मतलब उनको ये नहीं कहा जाता कि रिज़ाइन कर दो, ये हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं कि एम्प्लॉय रिज़ाइन कर देता है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट कि ये पाकिस्तान में कई इदारों में हो रहा है? अच्छा हसन, लेट मी क्लियर वन थिंग, क्वाइट फायरिंग इज नॉट अ न्यू थिंग, ठीक है। टर्मिनोलॉजी इज न्यू, जैसे और ये टर्मिनोलॉजी आई कहाँ से, पहले क्वाइट क्विटिंग आई, उन्होंने कहा अच्छा क्वाइट क्विटिंग आ गई, चलो लेट्स हैव अ न्यू टर्मिनोलॉजी एंड दैट्स क्वाइट फायरिंग आई। सो क्वाइट फायरिंग इन रियलिटी बहुत पुरानी, आपने टर्मिनोलॉजी सुनी कि ओएसडी लगा दिया। सो एंड यू ऑल्सो नो कि पीपल लीव पीपल नॉट द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट कर दो कि बंदा खुद ही चला जाए। इसके रीजंस हैं, पाकिस्तान में बहुत अरसे से हो रहा है ये और आज भी हो रहा है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। दे आर मेन रीजंस पता है, और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को होता है। अब हमें ना आई ऑलवेज से कि चीज़ों टनल विजन में नहीं जाना चाहिए, चीज़ों को ना हमेशा होलिस्टिक लेना चाहिए। इसके गुड पार्ट्स भी हैं, बैड पार्ट्स भी हैं। ओवरऑल क्वाइट फायरिंग के अगेंस्ट हूँ मैं, इफ़ यू से कि क्वाइट फायरिंग आई एम अगेंस्ट हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप एम्पथी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वाइट फायरिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉय के भाईजान तुम्हें नजर आ रहा है कि यू हैव नो स्कोप हियर, अपने लिए नौकरी ढूंढ लो। लेकिन एट द सेम टाइम लाइन मैनेजर के पास वो करेज ही नहीं है कि उसको जाके बता सके कि यू आर नॉट परफॉर्मिंग। एट द सेम टाइम दिस इज नॉट ऑलवेज, ऐसा नहीं होता, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपका एम्प्लॉय परफॉर्म ही नहीं करता। वी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो है ही नहीं। हमें ये लगता है कि व्हाट आई एम डूइंग द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट। वी नेवर एवर रियलिस्टिक अबाउट आवर ओन परफॉर्मेंस अप्रेजल। आप सेल्फ अप्रेजल करते हैं, ए स्टार से नीचे कोई अपना को देता नहीं है। रीजन बीइंग ये कि वी आर नॉट यू नो रियल, वी आर नॉट एबल टू स्पीक ट्रूथ टू आवर सेल्व। सो जो
ये जो कॉन्सेप्ट है क्वाइट फायरिंग का, ये उन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं कि चलो उसको अपॉर्चुनिटी दे दो, अपने लिए नौकरी ढूंढ दे, उसको कोई ऐसे काम दे दो जहाँ पर वो काम ख़राब ना करे, या आपका जो बॉस है वो वाकई में बाइस्ड है, टॉक्सिक है, ठीक है, वो खुद क्वाइट क्विटिंग में लगा हुआ है, नाउ ही इज़ इन एग्जिट मूड, तो वो क्या करेगा, वो सबको ख़राब कर देगा, वो उसका होगा कि जी मेरी तरफ से जो है ना लोग जो मर्जी करें, आई एम जस्ट मूविंग आउट, आई डोंट लाइक दिस ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू एनी रीजंस. सो यस, क्वाइट फायरिंग इज इन पाकिस्तान, लेकिन इट्स नॉट न्यू थिंग, इट्स एन, आप OSD का वर्ड याद होगा ना, कि OSD लगा दिया है, दिस इज OSD. बिल्कुल सही. अच्छा मुनीब भाई, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब और फेसबुक, कासिम अली शाह फाउंडेशन के पेज पे, तो हमें वहाँ डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो रिसीव होते हैं, सिचुएशंस रिसीव होती है. तो देयर इज अ वन सिचुएशन ऑफ आवर फॉलोअर, उन्होंने कहा कि मैं उनके बिहाफ पे आपसे पूछूं, एंड ही हैज शेयर्ड दैट कि मैं, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ क्वाइट फायरिंग वाला सीन हो रहा है. ही सेड के जी के मुझे ऐसे लगता है जैसे कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में मुझे स्किप किया जाता है, बॉस मेरे साथ माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो उसने स्टार्ट कर दी है, मेरा वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, मेरे परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो रोक दी है. तो मुनीब साहब से ये पूछे कि वाकई क्या ऐसा सिग्नल्स है कि मैं इदारा छोड़ दूँ. देखिए हसन, चीज़ों को ना हमेशा होलिस्टिक लेना चाहिए. Whoever put this question is, मेरे उसके लिए मशवरा ये है कि he has to or she has to organize his or herself, ठीक है, वो वाकई में देखे कि उसका वर्कलोड किस तरह से इंक्रीज हुआ है. समटाइम्स हमें लगता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही होती हैं उससे पहले भी आपको टेस्ट किया जाता है कि हाउ इंडिपेंडेंट यू आर टू गो इन द नेक्स्ट रोल. रोल इन्हेंसमेंट के लिए पहले टेस्ट किया जाता है कि जी, क्योंकि अगर आप किसी को प्रमोशन दे दें, न्यू रोल दे दें, उसके बाद वो फेल हो जाए तो क्या होगा, नॉट एबल टू कोप. तो वो एक स्टेप पहले तो देखे क्या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, जो वर्कलोड है वो किस तरह से बढ़ रहा है. सेकेंडली, क्या बॉस चेंज हो गया है कि बॉस वही काम कर रहा है, ऐसे क्या सर्कमस्टांसिस हुए हैं जिसके बेस पर उसको लग रहा है कि नाउ वो क्वाइट फायरिंग की तरफ लेके चल रहा है. अगर ये सारे सर्कमस्टांसिस उसको लगता है कि जी हाँ अभी भी जो मेरा बॉस है वो मेरे बाइस्ड है, तो उसका तरीका का बहुत सिंपल सा है. He or she has to list down her things, task, his or her own efficiency, देखे कि वो efficient कितना है, ठीक है, उसकी जो performance है वो as per history कहाँ पर है और as per his peers कहाँ पर है. Thirdly, जब उसको सब कुछ लगता है कि जी he is fine or she is fine, then he should have a courage and go and talk to his or her boss, कि I am feeling this. This is my fear and I want to know this thing. क्योंकि assumptions पे ज़िंदगी की नहीं गुजारनी चाहिए. And in corporate world, you have to know. और जब आपको ये लगे, I am very clear, अगर आपको ये लगे कि आपका boss biased है, but at the same time you are very sure कि you are doing your part, then please go to his boss. बिल्कुल सही. I one up चले जाओ. It's no harm in it, but you have to be sure. कि यस माई बॉस ग्रीवियंस हैंडलिंग है ना, देन यू रेज योर ग्रीवियंस. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हु इज एट द लॉस, ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल. देखिए मेरे लिए जो क्वाइट फायरिंग है ना इज एन ऑपोजिट ऑफ द एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट का ऑपोजिट है. आई प्रेफर कि गो टू द एम्प्लॉय एंड टेल हिम, बडी नो इट्स नॉट वर्किंग, इट्स अ वन मंथ नोटिस टू यू, थैंक यू वेरी मच. सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द इंडिविजुअल एज वेल. Either individual say ke I will perform, give me an opportunity, individual know ke okay fine this is not happening, kyunki us ek is environment se wo toxic strip phaila raha hai among other peers. Aur aapko pata hai ki toxic negativity to yun phailti hai, positive ke liye you have to put effort, but for negativity it's like this. Agreed. इसी को मैं आगे परसू करूंगा. हमने एम्प्लॉयज़ के परस्पेक्टिव से तो पूछ लिया, अब हम जरा बात करेंगे एम्प्लॉयज़ के परस्पेक्टिव से, क्योंकि उनके क्वेश्चन भी कुछ हमें रिसीव हुए थे लिंक्डइन पे. आई थिंक देर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एक एम्प्लॉयर ने ये बताया कि यार देखो, हमने एक बंदे को जो है कुछ भी नहीं कहा, वो रिज़ाइन करके वो चला गया और उसने हमारे अगेंस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी और किसी ने उसको वेट करने की बजाय कि ये एक्चुअल है या नहीं है, लोगों ने उस पर कमेंट्स करना स्टार्ट कर देते और हमारे इदारे का जो एक नाम बना हुआ था वो ख़राब हो गया. तो ज़रा मुनीब साहब से हमारे बिहाफ पे ये पूछे कि हम भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, हमने तो उसके साथ किया भी कुछ नहीं और उसने जो है वो हमारे खिलाफ ये चीज़ें लिख दी. मैं
देखिए बुकिश नॉलेज पे ना मैं बिलीव नहीं करता. बुकिश नॉलेज होती है कि आपको पता हो. आई स्टार्टेड माय करियर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते थे. डेटाबेस डिजाइनिंग के 3 रूल्स होते थे. तो हमें मुझे ये पता होना चाहिए था कि मैं कौन सा रूल वायलेट कर रहा हूँ. ठीक है, दैट इज़ अ नॉलेज आई बिलीव इन. सो बुकिश नॉलेज से ज़्यादा ना आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए. फॉर मी एच आर एग्जिस्ट टू कीप द एम्प्लॉय एंगेज एंड मोटिवेट. बाकी सब कुछ उसे लाइन मैनेजर के थ्रू करना है. आई हैव टू प्रोवाइड द टूल्स, आई हैव टू प्रोवाइड द मैकेनिज्म सिस्टम्स, एंड आई हैव टू इंश्योर वो सिस्टम इन प्लेस है. आपके जो बॉस हैं, आपके जो लाइन मैनेजर्स हैं, वो बायस नहीं, सारा कुछ नहीं है. उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, दैट इज़ अ कंटिन्यूस फीडबैक. अगर एक एम्प्लॉय डिसंगेज है, आई एम टेलिंग यू, मैं जब अपने ऑर्गेनाइजेशन में फिर रहा होता हूँ, तो अगर किसी एम्प्लॉय का बिहेवियर चेंज होता है ना, तो मैं उसको पूछता हूँ, बट यू आर नॉट लुकिंग इन योर नॉर्मल मूड, व्हाट हैपेंड? Why? Because I have to see कि कोई बंदा अपने normal mood से इधर उधर तो नहीं चला गया होगा. अब हम बात कर रहे हैं quiet quitting के ऊपर, ठीक है. So अगर बंदा quiet quitting कर रहा है तो उसकी reasons हमें पता होनी चाहिए. Continuous feedback from the manager is very important to the employee. कि जी तुम्हारी परफॉर्मेंस में डिप है, तुम्हारी परफॉर्मेंस एज पर एक्सपेक्टेशन है कि नहीं है, व्हाट इज़ आवर एक्सपेक्टेशन, आपके और कंपनी के गोल अलाइन हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और इसका रिकॉर्ड होना चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कल्चर जो मैं नाम नहीं कोट करता, एंड यू नो अभी प्रीवियसली कराची के एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ इतना सोशल मीडिया पे हुआ, एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि उसको निगेट कर दिया एजेंसीज ने, सब कुछ ने, लेकिन फिर भी कुछ लोग दे वर सो एंटी के नहीं जी, हु सेज दिस, उनको क्या पता, उनको क्या पता. बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो एंड आई नो कि क्या हुआ. सो सोशल मीडिया इज़ समथिंग जो कि कभी भी रिलायबल नहीं होता. हमें अपनी इसको करना है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन वाइब्स क्या आती हैं. अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ कर चला जाता है, आप किसी को फायर कर देंगे, व्हाट विल हैपन? वो एम्प्लॉय कभी खुश तो नहीं होगा ना. वो बेशक वो अपनी गलती से गया है, तो उसने क्या करना है, उसने अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे तो यार मेरी गलती थी, ये नहीं होता. हमेशा ये होता है कि जी वो तो जगह ही गलत है, वो तो बॉस ही गलत है, वो बंदा ही गलत है. वी ऑलवेज ट्राई टू पुट ब्लेम ऑन अदर्स, वी नेवर एवर एक्सेप्ट कि यहाँ पर मेरी गलती थी. सो For them, I always believe के always keep record के the performance, dips, feedback, continuous feedback is very important. आपके हर line manager को line manager का ना एक time पर आकर ना, देखें technicals होते हैं या होते हैं, एक time पर आकर ना उनका काम ये नहीं होता कि जी उन्होंने nitty gritties देखनी, उन्होंने people management करनी है. 60% of their work is people management. So उस people management में उनकी performance reviews, उनका feedback, continuous feedback. It's not like 1 year thing, आप साल को बाद देंगे. Every day, every week, every month, they should know कि आपके employee कर क्या रहे हैं, they record it. उसके बाद कोई भी employee चला जाए ना, कोई ये अगर नहीं कह सकता कि जी मुझे तो पता ही नहीं, मेरे साथ ये हो गया. बिल्कुल. अच्छा मुनीब, हम ऑन बोर्डिंग तो प्लान करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, ऑफ बोर्डिंग हम प्लान नहीं करते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोर्डिंग करती भी प्लान है, ठीक है. जो ये 1 month नोटिस की हम क्लॉज डालते हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट का ऑफ बोर्डिंग का ही है. लेकिन हमारे जो कल्चर है उसमें ये आता है कि जी जो बंदा जा रहा है वो तो हमें छोड़ के जा रहा है, वो तो लॉयल भी नहीं है, उसकी फाइनल सेटलमेंट भी रुकवा दो. खुद भी वो इजी हो जाता है मेरा ख्याल. वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं. वो तो कहते हैं कि अब हनीमून पीरियड स्टार्ट हो गया है, अब तो वो सीरियस नहीं होते. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कुछ बॉसेस जब देवर ऑन द एग्जिट मोड ना, दे गो फॉर अ क्वाइट फायरिंग वाले मोड में चले जाते हैं. वो अपने एम्प्लॉयज़ को बताते नहीं करना क्या चीज़ें, क्योंकि वो ये होता है कि जी अब मैं अपनी चीज़ें पूरी कर लूँ. अपने कोई अगर मेरे फंड, कुछ ऑर्गेनाइजेशन फंड्स भी रोक देती हैं, वो तंग करती हैं. आई नो द ऑर्गेनाइजेशंस जो एम्प्लॉय जब जा रहा होता है ना, इतना तंग करती हैं कि फाइनल सेटलमेंट में कि जी एम्प्लॉय जो है ना, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बन जाता है. एम्प्लॉयज़ को पता होता है जब मैंने जाना है ना, तो उससे पहले PF निकलवा लो, लोन्स ले लो, अपनी सैलरी लो, कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, अपना अपना हिसाब किताब पूरा जीरो रखो और निकल जाओ. सो दोज आर द ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलवेज सफर करते हैं. कल्चर है ना, सो इट हैज़ टू, ये हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आता है. इफ़ यू फैसिलिटेट योर एम्प्लॉय इन द एग्जिट, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ एंड आई ऑलवेज बिलीव, मैं इस पर तो मेरा फर्म बिलीव है कि जो आपके एक्स एम्प्लॉयज हैं, दे आर योर एम्बेसडर्स. अगर आपका एक्स एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ कर रहा है ना, तो दैट मीन्स कि यू आर डूइंग समथिंग गुड. और ये उससे होता है जब आप ऑफ बोर्डिंग से ही करते हो.
अदरवाइज तो और कोई कहता कि यार उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की वजह क्या थी. जब इम्प्लॉई ये कहे कि आई गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी, द ऑर्गेनाइजेशन इज रियली गुड, दैट इज द सक्सेस. ग्रेट. Thank you very much, Muneeb, for joining us today. I think it's a wonderful session and I really enjoyed it and I have learned a lot of things from you. Same. Any final word about Qasim Malaysia Foundation, please go ahead. Well, I really follow Qasim Malaysia on that YouTube and it's like heartwarming how motivating he is. And the, you know, and the sabse achhi baat hai inki, wo ye hoti hai ki inki baat jo hai na, aap relate kar sakte ho. ये वो मोटिवेटर्स नहीं है जो कहते हैं कि यू कैन मूव द यू नो स्टोन और रॉक, और ऐसा कुछ नहीं करते. दे गिव यू द ग्राउंड रियलिटीज, आपको आपकी लैंग्वेज में बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस में बताते हैं कि क्योंकि मोटिवेशन इज समथिंग जो कि बाहर से नहीं आती, इट कम्स विद इन. एंड आफ्टर हियरिंग कासिम अली शाह तो आपको लगता है कि यार ये तो मेरी कहानी है, आई कैन डू दिस. सो एंड प्लस जो डिफरेंट आप ने इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, इट्स हार्ट वार्मिंग के आप लोगों की डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि दे आर वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस जो कि काम कर रही होती हैं. मैं बहुत से एचआर फोरम्स पे जाता भी रहा हूँ और समटाइम्स मुझे अफसोस भी होता है कि लोगों को एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है. लेकिन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस प्लेटफॉर्म, इट्स डूइंग मार्वलस जॉब. लाइक क्वाइट फायरिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. और मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि इफ़ वी गैदर्ड आजकल के न्यू जो एचआर प्रोफेशनल्स हैं, उनमें से शायद 60% आपको क्वाइट फायरिंग के बारे में बता भी ना सकें, विच इज़ अलार्मिंग. सो ये फाउंडेशन और ये जो प्लेटफॉर्म है ना, वो हेल्प कर रहा है इस नॉलेज को स्प्रेड करने में. आई रियली थैंकफुल फॉर. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का. मुनीब अंजुम साहब जो हेड ऑफ एचआर है कोहार सीमेंट के, वो हमारे साथ थे. उन्होंने हमें बताया कि जो क्वाइट फायरिंग है उसको किस तरह से हैंडल करना है, और अगर क्वाइट फायरिंग वाली कोई सिचुएशन आ गई, अगर आपका कोई बॉस ऐसे मिल गया है जो कि आपके साथ ये खेल खेल रहे हैं, तो आपने उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से उसको डील करना है. इदारे के लिए भी ज़रूरी है कि अगर वो समझते हैं कि अगर कोई ऐसा एम्प्लॉई है जो कि जाके आपको सोशल मीडिया पे या कहीं जगह पे कोई ऐसी चीज़ करेगा, तो आप उसकी ऑफ बोर्डिंग अच्छे तरीके से प्लान करें. डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में PIP का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. हमारे यहाँ डायरेक्ट आते हैं और कहते हैं यार ये बंदे ने मुझे सलाम नहीं किया, यार ये बंदे ने मेरे से आगे गुजर गया, इस तरह से करके तो फायर कर दें. ये अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा है, और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में तो खैर पॉलिसीज़ बनी होती हैं. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा होगा. अपना फीडबैक हमसे भी शेयर कीजिए ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें. अपनी दुआओं में आ जाएगा इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा.